हेलो मिश्रा, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मिनोलॉजी। पिछला वीडियो हमने देखा था जिसमें 1 से लेकर 10 तक इंपॉर्टेंट जो भी टर्मिनोलॉजी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, वो हमने देखी थी। आज 11 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेके नोट करने लग जाएंगे और बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की टर्मोलॉजी में 11th नंबर पे है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मीनिंग देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट डन बाय द पार्टीज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस बट इज इम्पोज ऑन द पार्टीज बाय द लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इम्पोज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इम्पोज ऑन द पार्टीज बाय द लॉ। ये सिंपल सा क्या है, ये किसी भी तरह का ना तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है ना ही इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही अपने बोल के करा है ना अपनी कंडक्ट से करा है, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आपने कभी अपने एक फ्रेंड की हेल्प करी है, आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई, फ्रेंड्स के बीच में तो वैसे ही कोई इंटेंशन नहीं रहता लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का, तो आपके और अपने फ्रेंड के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आपने अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड की हेल्प करी थी, उस समय पे आपके पास पैसा था तो आपने उसकी हेल्प कर दी। कुछ टाइम बाद ऐसा समय आया जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, जब आप अपने फ्रेंड के पास गए और आपने पैसे मांगे और उसने देने से मना कर दिया, उसके पास होंगे नहीं या किसी भी रीज़न से उसने मना कर दिया और आपने उसके ऊपर केस कर दिया है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के थ्रू कोर्ट क्या कहता है, ये एक तरह का क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आपने एक टाइम पे अपने फ्रेंड की हेल्प करी थी, तो उसका भी फर्ज बनता है कि आपकी अब वो हेल्प करे। तो यहां पर कोई भी इंप्लाइड या एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबको न्याय मिले इसके चलते हुए कोर्ट एक ऑर्डर निकालता है कि आपको भी अब अपने फ्रेंड की हेल्प करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी बेचकर या कुछ भी चीजें बेचकर आपने उसको फ्रेंड की हेल्प करनी पड़ेगी, राइट। दिस इज कॉल्ड क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। हो रहा है क्लियर, आगे देखें 12 देखते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ईजी है। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल द पार्टीज हैव परफॉर्म्ड ऑल देयर ऑब्लिगेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी ने, ए और बी ने, अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर दिया है। ए ने वादा करा था, ए ने बोला था बी को कि भाई बी, जैसे ही आप मेरे गुड्स को छोड़ते हो एक जगह से दूसरी जगह, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ए ने क्या करा, पेमेंट कर दिया बी को, और बी ने उसके सामान को, सारे सामान को छोड़ दिया जहां पर भी डेस्टिनेशन में डिलीवर करना था। तो दोनों पार्टीज ने अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल कर लिया है, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूट हो गया है, सब कुछ काम कंप्लीट हो गया है। ए ने अपना काम कर दिया, बी ने अपना काम पूरा कर दिया। पूरा क्लियर, आगे देखें। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा ही डिफरेंट है ईडी और ORY, राइट। दिस इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑल द पार्टी स्टिल हैव टू परफॉर्म, स्टिल के नीचे अंडरलाइन करिए, स्टिल हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन। दैट मीन्स दोनों पार्टीज ने अभी अपना पूरा काम नहीं करा है, बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे कि ए ने बोला था बी को कि आपको मेरे 1000 यूनिट्स या 1000 गुड्स को डिलीवर करना है दिल्ली से मुंबई। आपको मेरे, ए ने बोला बी को 1000 यूनिट्स को डिलीवर करना है दिल्ली से मुंबई। बी ने गुड्स तो डिलीवर कर दिए लेकिन पूरे नहीं करे, 500 यूनिट्स ही करी है। तो क्या होगा, ए बोलेगा कि भाई बी, आपने तो पूरा काम ही नहीं करा, तो ये क्या है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर ए भी उसको पूरा पेमेंट नहीं करेगा। तो दोनों का काम आधा अधूरा है, दूसरे ने, बी ने पूरा आइटम डिलीवर नहीं करा है और ए ने भी पूरा पेमेंट नहीं करा है। बोथ द पार्टीज हैव स्टिल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस। मेकिंग सेंस, हो रहा है क्लियर, आगे देखेंगे। बिलेटरल एग्रीमेंट, अ बिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ वन इन विच बोथ द पार्टीज एक्सचेंज प्रोमिसेस टू ईच अदर टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे को प्रोमिस करा है, जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लें, ये वाला ए और बी दोनों पार्टी है। ए बोलती है इस पर्टिकुलर डेट को, जो फ्यूचर में आने वाली है, इस डेट को आपको मेरा सामान यहां से यहां छोड़ना है, और बी भी बोलता है, राइट, बी बोलता है मैं छोड़ दूंगा, और मैं अगर इस तारीख को छोड़ता हूं तो मुझे इस तारीख को आप पैसे दे देना। दोनों चीजें, जो बी को काम करना है गुड्स को डिलीवर करना है वो भी फ्यूचर में है, ए को पेमेंट करना है वो भी फ्यूचर में है। दैट इज कॉल्ड अ बिलेटरल एग्रीमेंट इज अ वन इन विच बोथ द पार्टीज एक्सचेंज प्रोमिसेस टू ईच अदर टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। दोनों पार्टी जो प्रोमिसेस कर रही है वो फ्यूचर में परफॉर्म करना है। एम आई मेकिंग सेंस, हो रहा है क्लियर, आगे देखेंगे।
प्रपोजल, ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज होती है. एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पार्टी टू अनदर टू एंटर इनटू अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विद हिम. एक पर्टिकुलर पर्सन ए जब एक पर्सन बी को ऑफर देता है कि क्या आप मेरे गुड्स को दिल्ली से जयपुर छोड़ेंगे, और बी एग्री हो जाता है कि जी हाँ मैं आपके गुड्स को दिल्ली से जयपुर छोड़ूंगा, उसके बदले मुझे ये पैसे चाहिए. दोनों जब सेटल हो जाते हैं अपने अपने प्रोमिसेस में, जब एक प्रपोजल को दूसरा बंदा एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल. अब वो प्रपोजल एक्सेप्ट करे या नहीं करे उसके लिए कोई प्रेशराइज नहीं है. हो सकता है बी मना भी कर सकता है, नहीं जी बहुत दूर है मैं नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, या मेरे पास और भी बहुत कुछ काम है मैं नहीं कर पाऊंगा. लेकिन प्रपोजल क्या हो गया, लीगली बाइंडिंग. आपका इंटेंशन तो था ना कि लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट करने का. प्रपोजल कम्युनिकेट होना जरूरी है, वेदर इट इज बीन एक्सेप्टेड और नॉट इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एग्रीड पार्टी, दूसरी पार्टी जो पार्टी है अपनी सेकेंड पार्टी जो है उसके ऊपर डिपेंड है. पूरा क्लियर? तो ये हमारा प्रपोजल हो गया. नेक्स्ट पढ़ेंगे 16th इज योर एक्सप्रेस प्रपोजल. एक्सप्रेस प्रपोजल ऑफर एक ही बात है. एन ऑफर मेड इन वर्ड्स रिटन और स्पोकन इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर. जब भी आप किसी भी अदर पर्सन को, ए अगर बी को बोलकर रिटन और स्पोकन लिखकर, स्टैम्प पेपर में लिखकर, कागज में लिखकर, सिग्नेचर कर अथॉरिटी सिग्नेचर कर जब भी कम्युनिकेट कर रहा है ए और बी से, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस प्रपोजल. या फिर बोलकर रिकॉर्ड कर किसी भी ओरल मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है ए अपना प्रपोजल बी को, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस प्रपोजल. एज सिंपल एज दैट. इम्प्लाइड प्रपोजल, इम्प्लाइड क्या होता है, बोल नहीं रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, अपने कंडक्ट के, अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाव भाव से, अपने बॉडी लैंग्वेज से जब आप कोई भी चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे हैं या दूसरे को प्रपोजल दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड प्रपोजल. प्रपोजल बाय एक्शन और कंडक्ट इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर. एग्जाम्पल है, आप बस स्टॉप में खड़े हुए हैं, आपने हाथ हिलाया और एक बस आगे रुक गई, दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर. आपने ऑफर ही तो दिया है उसको, राइट? हम वो रुके ना, आपको बिना भाव दिए चले जाए तो वो उसकी मर्जी, लेकिन आपने ऑफर तो दिया है. अगर वो रुक जाती है और आपको बैठा लेती है तो द ऑफर इज बीन एक्सेप्टेड. पूरा क्लियर? आगे स्पेसिफिक ऑफर. एक पर्टिकुलर पर्सन को, क्लासरूम में क्लास चल रही है और एक टीचर ने बोला इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा, कोई भी हाथ उठा के आंसर दे सकता है, दैट इज कॉल्ड जनरल ऑफर. हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना इस क्वेश्चन का आंसर देने की, जनरल ऑफर. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं और स्पेसिफिक बंदे का नाम लूं, इसका आंसर तो विकास देगा, शुभम देगा, विनोद लेगा, विनीत देगा, पुनीत देगा, कोई भी देगा, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर. व्हेन अ प्रपोजल इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन इट इज नॉन एड स्पेसिफिक ऑफर. हो रहा है क्लियर? आगे देखेंगे काउंटर ऑफर. काउंटर क्या होता है, जब आपने शॉपिंग के लिए जाते हैं, आपने एक शॉपकीपर, आप गए कि आपको ड्रेस चाहिए, आपने जीन्स की रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप एक जीन्स के शोरूम में गए और आपने बोला कि भाई मुझे जीन्स की रिक्वायरमेंट है. उसने बोला, शॉपकीपर ने बोला कि ये है जीन्स, इसकी प्राइजेस है 3000 रुपीज़. आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, आपने बोला 3000 बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 2000 में ही ले सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफर. अगर उसने बोला है 3000 और उसी 3000 में आप एक्सेप्ट कर लें कि भाई 3000 ठीक है, वो काउंटर ऑफर नहीं कहलाएगा. काउंटर ऑफर होता है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन एक पार्टी रख रही है दूसरी पार्टी के सामने, उस टर्म्स एंड कंडीशन से सहमत ना होना और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को सामने रखना, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर. व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन अदर देन सेट आउट बाय द ऑफर और इट इज सेट टू बी अ काउंटर ऑफर. अगर आप दुकानदार की बताई हुई प्राइस से सहमत नहीं हैं और अपनी प्राइस जाके बोल रहे हैं, 100 रुपये का दुकानदार ने बोला, आपने कहा 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा, 80 रुपये का लगाइए, उसने बोला 80 रुपये तो बहुत कम है, 90 का, ना आपकी ना मेरी 90 रुपये, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर. पूरा क्लियर? आगे देखेंगे फ्री कंसेंट. कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय कोशन. कंसेंट होता क्या है, कंसेंट होता है आपकी परमिशन. जब आपकी परमिशन आपको फोर्स करके ली जाती है तो वो फ्री कंसेंट कभी भी नहीं हो सकता. मतलब जब भी आपकी परमिशन, दैट मींस ए ने ऑफर दिया बी को और उसको फोर्स कर रहा है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फ्री कंसेंट नहीं है, राइट? एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस. जो ए बताना चाहता है, जो टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री करवाना चाहता है बी को, उसी टर्म्स एंड कंडीशन में बी एग्री है, दैट इज कॉल्ड फ्री कंसेंट. अ कंसेंट इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय
कंसेंट तभी फ्री होगी जब ये सारी चीज़ें ना हो, ना हो। कॉशन, एक्स्ट्रा प्रेशर डालना, दबाव डालना, थ्रेटन करना, पनिश करना या फिर धमकी देना, दैट इज कॉल्ड कॉशन। अनड्यू इन्फ्लुएंस, दोनों में से एक पार्टी बड़ी हो, पॉलिटिकल पार्टी और उसका लीडर, टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप होता है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस का, ये रिलेशनशिप है तो आप किसी को प्रेशराइज करा रहे हो हाँ कहने के लिए। फ्रॉड जानते ही हैं, इंटेंशनली डिसीव करना, अनइंटेंशनली कोई भी चीज़ करना, आप अपनी जगह पे ठीक थे लेकिन वो चीज़ें गलत निकल गई, दैट इज कॉल्ड मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक आप जानते ही हैं, गलती से कुछ भी होना, एक बार मिस्टेक होती है, दो बार तीन बार करेंगे तो वो एक तरह का फ्रॉड का रूप ले लेती है, राइट? तो हो रहा है क्लियर, फ्री कंसेंट होता है ये चीज। तो आज 11 से लेकर 20 तक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने देखी, अभी नियर अबाउट 42-43 टर्मिनोलॉजी और भी हैं, दैट मींस 20 हो गई है, 20 प्लस समथिंग हमारी और बची हुई है टर्मिनोलॉजी को। फिर नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस होगी उसमें हर एक टॉपिक को लेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके सिलेबस में भी है, तो हर एक जो स्पेसिफिक टर्म्स है वो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर उसमें हर एक टर्म को स्पेसिफिकली देखेंगे और उसके प्रोविजन भी देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा भी, थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ जो कि यूट्यूब पे नहीं है, और हो सकता है आपको मेरी टीचिंग पसंद हो और टीचर से, तो प्लीज़ और बच्चों के साथ शेयर करिए, अपने स्कूल के क्लासमेट या कोचिंग में जो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। वीडियो को शेयर तो आप कर ही रहे होंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाल कलर का सुंदर सा बटन दिख रहा है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जब भी आप क्लिक कर देंगे उससे होगा क्या, जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत ही मेरे चैनल पर आ सकते हैं। कोई भी आपके सजेशन है, किसी भी चीज़ का वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। मेरा जो पिछला चैनल है या दूसरा चैनल है या मेरा पहला चैनल बोल सकते हैं, यह है वैसे दूसरा चैनल, स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू, दुनिया भर की कैरियर काउंसलिंग आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी कोर्सेज, जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। बहुत ही पॉपुलर चैनल है, नियर अबाउट 2 साल से मैं वो चैनल चला रहा हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग चैनल है और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी मिलते हैं मुझे। कोई भी क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन, अगर आप कमेंट पे नहीं पूछ सकते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सुनील अधिकारी 04 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, राइट? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।